नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जहां बिहार पहुंच चुकी हैं, तो वहीं आपको बतला दें कि बिहार आने के साथ ही उनके पूरे शेड्यूल को भी जारी कर दिया गया है, जहां आज द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के राबड़ी देवी और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगी। तो वहीं आपको बतला दें कि इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। संजय जायसवाल का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। इसके लिए सभी पार्टियों के मंत्रियों को इसका समर्थन करना चाहिए, साथ ही इससे सभी बिहारवासी भी काफ़ी खुश हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, सुनिए। इसकी पहली संथाल आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है और बिहार सदैव से लोकतंत्र की भूमि रही है वैशाली गणराज्य से, इसीलिए बिहार का प्रत्येक नागरिक बहुत उत्साहित है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि हमारी एक विचारधारा की एक मयूरभंज के गांव की एक पार्टी की कार्यकर्ता इस देश की राष्ट्रपति होने जा रही है। यह हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव एक संवैधानिक पद होता है, यह किसी दल का नहीं होता है। और हम लोगों ने एनडीए ने जब एपीजे अब्दुल कलाम जी को बनाया, अभी भी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, सभी ने राष्ट्रपति पद के गरिमा के सबसे उच्च मापदंडों को स्थापित किया है और यही कार्य द्रौपदी मुर्मू जी करने जा रही हैं। इसीलिए मैं चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टियाँ हों, सभी से मैं अनुरोध करूंगा, कांग्रेस हो, कि कृपया कर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पे सुशोभित होने में अपना भी योगदान करें। तो देखा आपने, संजय जायसवाल का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला बनेगी जो राष्ट्रपति बनेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि सभी पार्टियों के द्वारा अगर इनका समर्थन किया जाए तो यह काफ़ी अच्छा होगा, साथ ही बिहारवासी भी इनके बिहार आने पर खुश हैं, इनके राष्ट्रपति चयन पर काफ़ी खुश हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।